पुणे में 32 वर्षों से काबिजदार को बिना सूचना दिए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस बल का दुरुपयोग कर गरीब की झोपड़ी उजाड़ने का मामला सामने आया है। थाना चितरंगी बरहट निवासी रमाकांत ने 1988 में इंद्रजीत से आराजी क्रमांक 156/26 अपने नाबालिग पुत्रों के नाम खरीदी कर रजिस्ट्री जमीन में कब्जा कर खेती करता था। कुछ ही दिन में भूमि क्रेता रमाकांत के पुत्र मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। रमाकांत की पत्नी अपने मंदबुद्धि पुत्र के साथ उक्त भूमि में झोपड़ी बनाकर खेती कर जीवन यापन कर रही। वहीं अब भूमि विक्रेता का पुत्र अपने भाइयों व हल्का पटवारी पंकज उप निरीक्षक मनोज को लेकर विक्रय किए गए जमीन पर जबरन क्रेता की फसल की जुताई कर फसल व झोपड़ी नष्ट कर दिया। अबला को रोती बेलगती देख आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पूछने पर पटवारी और पुलिस दोनों बोले, हमें तहसीलदार ने बेदखल करने का आदेश दिया। जिनकी बात सुन ग्रामीण आक्रोशित हो गए तो पटवारी फरार हो गया। वही उप निरीक्षक मनोज सिंह बोले, यह सब पटवारी की चाल थी। पीड़िता ने कहा कि विक्रेता का पुत्र रुपये देकर तहसीलदार पटवारी और पुलिस बल के साथ जबरन हमारी पूरी फसल और झुग्गी झोपड़ी नष्ट कर दिया है, जमीन हड़पना चाहता है। पीड़िता न्याय की आस लेकर विभिन्न अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर न्याय की मांग की है। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट।